नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि हर एक प्राणी के जीवन की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तारुण्यावस्था और बुढ़ापे की अवस्था। बुढ़ापे में हर एक प्राणी शक्तिहीन हो जाता है और वह दूसरों पर आश्रित होता है। दोस्तों, लेखक रामवंश बेलपुरी जी ने बुढ़ापा इस गद्य में एक कुत्ते के रेखा चित्र को सामने रखते हुए बुढ़ापे की व्यथा का सजीव चित्र यहां पर किया है। कौन से गद्य में? बुढ़ापा इस गद्य में। और इसके बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं कि बुढ़ापे में क्या हाल होते हैं, प्राणियों के क्या हाल होते हैं, जैसे हमारे भी हाल होते हैं वैसे प्राणियों के भी हाल होते हैं। तो बुढ़ापा इस गद्य के माध्यम से यहां पर लेखक रामवंश बेलपुरी जी हमें बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो बूढ़े लोग हैं, जो शक्तिहीन हो गए हैं, यानी जो वृद्ध हैं, उन वृद्ध लोगों के प्रति हमें क्या रखना चाहिए? सम्मान रखना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें उनका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। पशुओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। देखो, कुत्ता जब वह तरुणावस्था में होता है तो वह क्या करता है? हमारे घर की रखवाली करता है, हमारे घर के सामने खड़ा रहकर दिन रात पहरा देता है, पहरेदारी करता है। और जब वह बूढ़ा हो जाता है तब कुछ लोग उसे मारने के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन यहां पर रामवृक्ष बेलपुरी जी ने क्या किया है, उनका क्या कहना है, यह आज हम बुढ़ापा इस गद्य के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलो गद्य को देखते हैं। बुढ़ापे में प्रत्येक प्राणी शक्तिहीन होकर दूसरों पर आश्रित हो जाता है। लेखक ने इस रेखाचित्र के माध्यम से बुढ़ापे की व्यथा का सजीव चित्रण किया है। बुढ़ापे की व्यथा, बुढ़ापे में प्राणी मात्र के क्या हाल होते हैं, उन्हें दूसरों पर किस प्रकार आश्रित होना पड़ता है। जब दूसरे कमाते हैं तब उन्हें खाने को पीने को मिलता है। देखिए, बार बार धुतकारे जाने पर, बार बार धुतकारे जाने पर भी जब यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े कर और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठकर धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल आंखों से मेरी ओर देखने लगता है तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। रामवंश बेलपुरी जी यहां पर बता रहे हैं कि यह जो मेरा कुत्ता है, यह कुत्ता मेरे घर के बरामदे में, बरामदे के बाहर जब वह उसके अगले पैर खड़े करके मतलब ऊपर उठा के और पिछले भाग को जमीन से सटाकर मतलब जमीन को लगाकर वह बैठता है और वह क्या करता है, धीरे धीरे उसकी पूंछ हिलाता रहता है। क्या हिलाता रहता है? अपनी पूंछ हिलाता रहता है। करुण सजल आंखों से वह लेखक की ओर देखता है। करुण, करुण और सजल आंखों से करुणा क्या है? करुणापूर्ण। और सजल यानी जल, जल यानी आंसू, आंसू से भरे हुए। बार बार दुत्कारे जाने पर भी, दुत्कारी दुत्कारना यानी उपेक्षा पूर्ण फटका, दुत्कारना
उपेक्षापूर्ण फटका। करुण जन, करुण और सजग, देखो यहां पर दुत्ता आया है, उपेक्षा पूर्ण फटकार और करुण सज, यानी करुण पूर्ण एवं करुणापूर्ण एवं आंसुओं से भरी हुई, आंसुओं से भरी, क्या आंसुओं से भरती है? आंखें। यहां पर अगले दो पैर ऊपर उठाकर और पीछे के दो पैर नीचे जमीन को यानी पृथ्वी को लगाकर जब वह बैठता है और वह जब वह धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाता है तब उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई रहती है और वह मेरी ओर देखता रहता है, मेरा बूढ़ा कुत्ता, मेरा बूढ़ा कुत्ता। देखिए तो लेखक बोल रहा है कि तो उस लेखक के समझ में नहीं आता उस पर कि मैं क्या करूं, मैं उसका क्या करूं। लेखक के समझ में नहीं आ रहा है कि जब वह कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ अपनी आंखें आंसुओं से भर कर मेरी ओर जब देखता है तब मेरे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि वह बूढ़ा हो गया है। वह कैसा हो गया है? बूढ़ा हो गया है। देखिए बुढ़ा हो गया है, समुचित देह में खवरा लग गया है। खवरा, खवरा यानी खाज, खवरा यानी खाज, बाल झड़ने का रोग, बाल देखो बूढ़ा हो गया है, समुचित देह में खवरा लग गया है जिसे अपने ही पंजों से खरम खरम कर इसने सारे बदन में घाव कर लिया है। वह कुत्ता बूढ़ा हो गया है। किसका कुत्ता? लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। और लेखक ऐसा क्यों बोल रहा है कि जब वह मेरे घर के बरामदे के बाहर बैठता है और वह पूंछ हिलाता हुआ मेरी ओर देखता है तब मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि वह बूढ़ा हो गया है। कौन बूढ़ा हो गया है? कुत्ता बूढ़ा हो गया है और उसके शरीर पर क्या हो गया है? बाल झड़ने का रोग निर्माण हुआ है, लगा हुआ है, खौरा लग गया है और उसने क्या किया है? अपने खुद के पंजों से उसके बदन को खरम खरम कर उसने क्या किया है? सारे शरीर पर उसने घाव किए हैं, सारे बदन पर उसने घाव किए हैं और दूसरी बात यह है कि उसका पेट भी खराब हो गया है, उसका पेट भी खराब हो गया है और इसलिए पेट खराब होने के कारण आसपास उसके आसपास की जो जगह है वो उसने कैसी की है? गंदी की है। कैसी की है? गंदी की है। देखिए बूढ़ा हो गया है, समुचित देह में
खौरा न गया है, जिसे अपने ही पंजों से खरब खरब कर इसने सारे बदन में घाव कर दिए हैं। इसका पेट भी खराब हो गया है, आसपास गंदा करता है, शरीर से बदबू आती रहती है। उसके शरीर से क्या आ रही है? बदबू आ रही है। क्या आ रही है? बदबू आ रही है। किसकी वजह से? क्योंकि उसका पेट खराब है, उसके शरीर पर बाल झड़ने का रोग लगा हुआ है, उसका पेट भी खराब हो गया है। पेट खराब होने के कारण वह उसके आजू बाजू में क्या करता रहता है? गंदगी करता रहता है। इसलिए क्या आ रही है? बदबू आ रही है, उसके शरीर से बदबू आ रही है। इसलिए यहां पर लेकर रामरुक्ष वेणिकपुरी जी बोल रहा है कि मेरे समझ में नहीं आता कि मैं उसका क्या करूं। देखिए, शरीर से बदबू आती रहती है ऐसी कि उबकाई आ जाए, फिर भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे, घर में आने दे। अगर इसकी यह हालत हो गई है, अगर उसके सारे शरीर से खून बह रहा है, बाल झड़ गए हैं, उसके शरीर से बदबू आ रही है, तो क्या इसे कोई घर में ले सकता है? नहीं ले सकता है क्या? नहीं। आप ले सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन यहां पर रामरुक्ष वेणिकपुरी जी का क्या कहना है देखो, जो ही वह इस ओर बढ़ता हर मुंह से दुबका फटका बरसने लगती है। वो जिसके भी सामने जाता, वो लोग क्या करते हैं? उसे दुबकारते हैं, फटकारते हैं। आगे देखो, तो भी यह नहीं मानता, फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाऊं से, जूतों से मार पड़ने लगती है। जब वो किसी के सामने जाता है, तब लोग उसे क्या करते हैं? फटकारते हैं, धुकारते हैं कि चल हट मेरे सामने से, बाजू हट। लेकिन फिर भी वह चला नहीं जाता, तब लोग क्या करते हैं? उसे मारते हैं। किससे मारते हैं? कोई झाड़ू से मारता है, कोई छड़ी से मारता है, कोई खड़ाऊं से मारता है। खड़ाऊं, यहां पर खड़ाऊं नया शब्द आया। देखो, खड़ा हो गया लकड़ी से बनी, लकड़ी से बनी चप्पलें। देखो, जो ही वह इस ओर बढ़ता हर मुंह से दुबका फटका बरसने लगती है, तो भी यह नहीं मानता, फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाऊं से, जूतों से मार पड़ने लगती है। लोग उसे मारते हैं जब वो सामने से नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से क्या आ रही है? बदबू आ रही है। इसलिए लोग क्या करते हैं? उसे मारने लगते हैं। फिर भी देखो, मार खाने पर भी यह तब तक टूटने का नाम नहीं लेता जब तक कि चोट असह्य नहीं हो जाती। लोग उसे मारते थे और मार खाते हुए भी, मार खाकर भी वह उनके सामने से नहीं जाता, वह लेखक के भी सामने से नहीं जाता। कब तक नहीं जाता? जब तक वह मार उसे असहनीय नहीं होती, तब तक वह वही खड़ा रहता, तब तक वह नहीं जाता। और जब वह असहनीय हो जाती है, तब बेचारा वहां से चला जाता है। कौन? रामरुक्ष वेणिकपुरी जी का कुत्ता, जो बूढ़ा हो गया है। देखो, मार खाने पर भी यह तब तक मुंडे का नाम नहीं लेता जब तक कि चोट असह्य नहीं हो जाती। तब कुकू करता हुआ यह बरामदे के नीचे तो उतर जाता है, किंतु वहां से भागने का नाम नहीं लेता। यह बैठ जाता है और लगता है टुकुर टुकुर मेरे मुंह को देखने। देखो, जब उसे मार असहनीय होती है, तब वह वहां से उठकर चला जाता है, लेकिन वह
बापू चमेलीपुरी जी का बूढ़ा कुत्ता। देखो आप भी आपके गांव में कभी कभार जाते हैं, तब गांव में भी बहुत सारे कुत्ते या बहुत सारी बिल्ली बिल्लियां या वहां भटकने लगते हैं, बराबर है। और कभी कभार जब वे अपने घर आते हैं तब हम उन्हें फटकारते हैं, धुतकारते हैं, चले जाने को कहते हैं, लेकिन वे जाने का नाम नहीं लेते। जब हम घर से लाठी वाठी जब हम लेकर आते हैं उन्हें मारने के लिए, तब ही वे वहां से निकल जाते हैं। आया ना। इसी प्रकार यहाँ पर रामलक्ष्मण मेलीपुरी जी का यह जो कुत्ता है, ये कुत्ता भी ऐसा ही है, क्योंकि वह उनका पालतू कुत्ता है, वह उन्होंने पाला था। एक मित्र ने कहा, कुचला खिला दीजिए मर जाएगा। देखो रामलक्ष्मण मेलीपुरी जी के जो कुछ दोस्त थे, उन दोस्तों ने कहा है कि इसे क्या दे दो, कुचिला खिला दे दो। क्या खिला दे दो, कुचिला खिला दे दो, उससे वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा कुचिला। एक प्रकार की दवा है। क्या है, एक प्रकार की दवा है। एक मित्र ने कहा, कुचला खिला दीजिए मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले, गोली से उड़ा देता हूं मौत अच्छी होगी, किंतु चाह कर भी कभी मुंह से हा नहीं निकल पाता। देखो रामचंद्र जी हमें यहां पर बता रहे हैं कि मेरा कुत्ता बूढ़ा हो गया है, वह अपने आसपास गंदगी करता है, उसका पूरा शरीर गंदा हो गया है, उसने खरम खरम कर अपने सारे शरीर पर चोट की है, घाव किए हैं, उसके शरीर से बदबू आ रही है, फिर भी वह मेरे सामने से जाने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने उसे अगर मारना भी चाहा झाड़ू से छड़ी से खड़ाऊ से, अगर मैंने मारना भी चाहा तो भी जब तक उसे मार असहनीय नहीं होती तब तक वह मेरे सामने से नहीं चला जाता। मेरे जो कुछ दोस्त हैं वे दोस्त मुझे बता रहे हैं कि उसे क्या खिलाओ, कुचिला खिलाओ। क्या खिलाओ, कुचिला एक प्रकार की दवा है। वो कुचिला खाने के बाद, वह दवा खाने के बाद वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उनका जो दूसरा दोस्त है जो बंदूकधारी है वो बोल रहा है कि मैं उसे क्या करता हूं, बंदूक से उड़ा देता हूं। क्या करता हूं, बंदूक से उड़ा देता हूं। ये इस प्रकार का जो जीना है इससे ज्यादा अच्छा उसकी मौत है। अगर वो मर गया तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी लेकर के मुंह से हा नहीं निकल रही है। देखिए इस कुत्ते की बचपन की जो कहानी है उसके बारे में देखिए। बहुत दिनों से हमारे घर में है यह, इसका जन्म कहां हुआ पता नहीं। लेकर बोल रहा यह कुत्ता मेरे घर में बहुत दिनों से है, बचपन से है, उसका जन्म कहां हुआ है इस बात का पता मुझे नहीं है। देखिए इसका बचपन भी कहां बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताजा पिल्ला मेरे घर में न जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। देखो लेखक बोल रहा है कि जब मैं मेरे घर के खाट पर सोया था तो एक मोटा सा ही ताजा सा पिल्ला कहां आया है, मेरे खाट के नीचे आकर सो गया है, बैठा है और मुझे पता ही नहीं लगा। देखो खाट के नीचे लेट गया है, वह थका था, वह गर्मी से परेशान था, खाट के नीचे की जमीन उसे सुखद लगी, वह चुपचाप लेटा हुआ जोर से हांफ रहा था। देखो वो खाट के नीचे सोया था, पर चैत की दोपहरिया में
रहा था, लेकिन बोल रहा कि मैं क्या कर रहा था, मैं खाट पर चैत की दोपहर या चैत यानी अंग्रेजी में चैत, देखिए चैत की दोपहर या में झपकी ले रहा था, एक समान ताल से निकलने वाली हाँपने की आवाज से मेरी आंखें खुली। देखो वो हाँप रहा था गर्मी में, देखो गर्मी में आपने देखा है क्या कभी कुत्तों को, वो कैस किस प्रकार सांस लेते हैं, सांस लेते समय वो क्या होते हैं, हिलते हैं ऐसे, हाँ ऐसे वो सांस ले रहा था, हाँ वो हाँप रहा था और अपने की आवाज उसे लेकर को आ रही थी और लेकर की आंखें खुल गई है उस आवाज को सुनकर। देखिए एक समान ताल से निकलने वाली हाँपने की आवाज से मेरी आंखें खुली, इधर उधर देखा कुछ नहीं, खाट के नीचे देखा तो इसकी चमकती आंखों पर नजर पड़ी। जब मैंने यहां वहां देखा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया, और जब मैंने मेरे खाट के नीचे देखा तब उसकी चमकीली आंखें मैंने देखी। हाँ देखिए खाट के नीचे देखा तो इसकी चमकीली चमकती आंखों पर नजर पड़ी, उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी ही सजगता और करुणा थी। अब इसकी जो बूढ़े पन की जो आंखें हैं, जो नजर है, उसी प्रकार की नजर, उस कुत्ते की नजर मैंने उस वक्त देखी। कब? जब वह भागता हुआ आकर मेरे खाट के नीचे लेटा था। तब किसने देखी है? रामवृक्ष एनीमोरी जी ने। किसकी नजर? उस कुत्ते की नजर। देखो उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी ही सजगता और करुणा थी। इसका शरीर धूली दूसरी था, धूली दूसरी यानी धूल से भरा हुआ, धूली दूसरी यानी धूल से मिट्टी से भरा हुआ। इसकी बदन पर दाग के कई दाग थे जिनसे ताजा खून टपक रहा था। देखो जब वह खाट के नीचे आकर बैठा था तब उसका पूरा पूरा शरीर धूल से भरा हुआ था, मिट्टी से भरा हुआ था। हाँ? उसके बदन से, उसके शरीर पर से ताजा खून टपक रहा था, ताजा खून बह रहा था। अतु अतु कहकर बुलाया, इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठी। मैंने उसे अतु 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 कहकर बुलाया, मेरे पास बुलाया। किसने बुलाया है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। किसको बुलाया है? उस कुत्ते को बुलाया है जो खाट के नीचे लेटा था। हाँ? उसे बुलाया है, और जब ही उसे बुलाया तब उसकी जो आंखें हैं किसके आगे? उस कुत्ते के आगे, वह आनंद से चमकने लगी। हाँ? चमक उठी, किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई। वो खुश तो हुआ है, वो कुत्ता खुश हुआ है, उसकी आंखें चमक रही हैं, लेकिन उसमें ढाड़स नहीं आ रहा है, हिम्मत नहीं आ रही है कि वह बाहर आए, उस खाट से, खाट के नीचे से बाहर आए। मैं जाकर थोड़ा दही बाल ले आया और खाट के नीचे ही रख दिया। लेकिन बोल रहा है मैं घर में गया, वो बाहर नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैं मेरे घर में गया, मतलब लेखक, हाँ लेखक ने क्या किया है, लेखक उसने उसके घर में गया है और लेखक ने क्या लाया है घर से, थोड़ा सा दही और भात लेकर आया है, और उसने क्या किया है खाट के नीचे ही रख दिया। दही भात लेकर आया लेखक अपने घर से और खाट के नीचे रख दिया है। उसे खाकर वो फिर लेट गया, मैं भी खाट पर सो गया। देखो जब लेखक ने अपने घर से दही भात लाकर खाट के नीचे रखा तब उस कुत्ते ने क्या किया है, उस पिल्ले ने क्या किया है, वो दही भात खा लिया है और वो फिर से लेट गया है वहां पर खाट के नीचे। और खाट पर कौन सोए हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी जी यानी लेखक सोए हैं। देखिए जब शाम को नींद टूटी और मैं गांव की ओर निकला तो देखा यह मेरे पीछे पीछे लगा है। लेखक वहां से निकला है, गांव में जाने के लिए निकला है। लेखक कहां सोए थे? अपने खाट पर, उधर बाहर जहां पर उनकी खेती बाड़ी थी वहां पर। और जब वहां से वो अपने गांव में जाने के लिए निकले हैं तब
धुकार देता कि तू धीरे धीरे इसने उनसे दोस्ती गांठ ली। देखो जब वो लेखक के साथ लेखक के गांव जा रहा था तब रास्ते में जाते समय रास्ते में जो बाकी के जो कुत्ते थे वो उसे मारना चाहते थे और जब भी वे कुत्ते उसे मारने के लिए दौड़ते थे तब वह छोटा पिल्ला कहा जाता था लेखक के पैरों के वहां पैरों के पास जाकर खड़ा रहता था हा? और जो कुत्ते उन्हें मारने के लिए आते थे उनको लेखक क्या करता था धुतकार था कि चलो हटो यहां से। इस प्रकार उन दोनों के बीच में क्या हो गई दोस्ती हो गई। किसमें दोस्ती हो गई लेखक रामवृक्ष भेड़ीपुरी और वो पिल्ला वो कुत्ते का पिल्ला उन दोनों के बीच में क्या हो गई है दोस्ती हो गई है। आगे देखो अच्छा भोजन घर घर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। यह एक अच्छा सा कुत्ता बन गया है घर का भोजन खाकर घर का प्यार और सुरक्षा पाकर उसे सुरक्षा मिली है हा? कोई भी उसे दूसरे कुत्तों को मारने नहीं देता था हा? अच्छा भोजन घर घर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोए चिकना गए बदन के दाग मिट गए जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वह मेरे घर आंगन का प्रहरी बन गया। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे उन्होंने भी इसे सरदार मान लिया। वह संकोचशील पिलपिला किशोर अब एक सबल युवक था। देखो जब वो कुत्ता लेकर के साथ उसके घर में आया है उसके गांव में आया है तब वहां का खाना खाकर एक अच्छा मोटा सा एक कुत्ता बन गया है और वह लेखक के घर की क्या कर रहा है पहरेदारी कर रहा है क्या कर रहा है पहरेदारी करने लगा। और जब भी वह पहरेदारी करने लगा तब जो कुत्ते उस पर भौंकने के लिए आए थे उन्होंने भी उसके साथ क्या की है दोस्ती की है हा? और अब वह कैसा बन गया है एक युवक जैसा बन गया है। गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया। इतने पैसे कहां कि रात दिन पहरा देने के लिए कोई संतरी रख सकूं और स्वयं कहां तक जागा जाए। भरोसा था तो इसी कुत्ते का जो ही हमारी नींद लगी इसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया और जो ही दूर किसी को देखा या जरा सी आवर पाई कि लगा भौंकने। जब तुरंत नींद लगी हो इसका भौंकना कितना बुरा लगता। देखो लेखक बोल रहा है कि मैं जब खेत में जाता था तब दिन रात वहां पर पहरा देने के लिए मैं किसी को रख सकूं इतना मेरे पास पैसा तो नहीं था लेकिन जब भी मैं सोता था तब यह कुत्ता क्या करता था पहरेदारी का काम करता था। ज्यादा से ज्यादा किसी की आवाज लगी तो वह क्या करता था तुरंत भौंकने का काम करता था और जब वह भौंकता था तब मेरी नींद भी खराब हो जाती थी। कौन बोल रहे हैं लेखक रामवृक्ष भेड़ीपुरी जी बोल रहे हैं। जब मुझे नींद लगती थी और वो भौंकना शुरू करता था तब मुझे कैसा लगता था बहुत बुरा लगता था। जाइए आप निश्चिंत सोइए। देखो जब मैं सोता था तब वह क्या करता था धीरे से आकर मुझे सुनता था मुझे देखता था हा? और वो मुझे जैसे कि वो मुझे विश्वास दिलाकर जा रहा है कि आप निश्चिंत होकर सो जाइए मैं सारी रखवाली मैं करता हूं हा? जैसे कि इस प्रकार मुझे कुछ कहकर चला जाता था और अपनी पहरेदारी अच्छी सी करता था। आप निश्चिंत सोइए किंतु फिर जरा सी खटखट हुई कि वही भौंकना। आप सोइए या न सोइए यह कुत्ता
आपके घर में चोरी हो जाए और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या उसमें इस कुत्ते का कोई कसूर है? देखो कुत्ता तो पहरेदारी कर रहा है, हा? वो कुत्ता सिर्फ इतना ही जान रहा है कि घर में कोई चोरी नहीं होनी चाहिए, हा? कोई चोर नहीं आना चाहिए, सिर्फ मुझे जो काम दिया है वो काम मैं करना चाहता हूं, हा? ये इस प्रकार की सोच किसकी है? कुत्ते की है। अगर इतना सब करके भी अगर चोरी हो गई तो उसमें उस कुत्ते का कोई कसूर है क्या, कुछ दोष है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए हमारे घर में एक विदागिरी होने वाली थी, विदागिरी यानी विदाई, हमारे घर में एक विदागिरी होने वाली थी। हमारे घर में एक विदागिरी होने वाली थी, दिन भर धूमधाम रही, रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रही। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हो, और यह कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ, वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई देखा गया घर में सेंध है, कुछ चीजें चली गई हैं, किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो गया होता। देखो जब कुत्ता भौंकने लगा तब रानी की आंखें अचानक खुल गई और रानी यहां वहां देखने लगी कि क्या हुआ है। तब रानी ने देखा कि घर में कोई तो आया था, सारा सामान यहां वहां गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था, और घर से कोई तो भाग रहा था। किसने देखा? रानी ने देखा, और रानी ने सबको क्या किया है? उठाया है, शोर किया है, और कुत्ता भी भौंकता हुआ उसके पीछे चला गया। और क्या किया है? उस कुत्ते ने उस चोर को भगाया है और घर को क्या किया है? बचा लिया है। नहीं तो उस दिन क्या हो जाता? सर्वनाश हो जाता। सर्वनाश हो जाता मतलब घर में कुछ गड़बड़ हो जाती, चोरी हो जाती, वो उस कुत्ते ने नहीं होने दी है। देखो दिन में देखा चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था। देखो चोर चोरी करने का प्रयास करते थे लेकिन इस कुत्ते के सामने उनका कुछ भी नहीं चलता था, हा? वो कुत्ता हमेशा उन पर क्या करता था? हमला करने का प्रयास करता था, उनको भगाने का प्रयास करता था। तब वे चोर क्या करते थे? मारने का प्रयास करते थे। क्यों? क्योंकि वह उनको चोरी करने का मौका ही नहीं देता था, हा? देखो दिन में देखा चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था। एक बच्चा तो ऐसा लगा था कि कहीं अब कतरिया न गया होता तो उस दिन इसका वारा न्यारा ही हो जाता। देखो एक दिन तो क्या किया है उन चोरों ने? उसे बच्चा मारा है। क्या मारा है? बच्चा। बच्चा यानी क्या? भाला। देखो उन चोरों ने क्या किया था? उसे भा
कत्रिया न गया होता तो उस दिन इसका हमारा न्यारा हो ही गया होता। देखो एक दिन चोरों ने क्या किया था, उसे भाले से मारने का प्रयास किया था, लेकिन वह जो भाला था वो उसे अच्छी तरह से नहीं लगा था, इसलिए वह कुत्ता बच गया। अगर वह भाला अच्छी तरह से उसे लगता तो वह कुत्ता बेचारा क्या हो जाता, मर जाता। आगे देखो, कुत्ता थोड़े ही दिनों में यह जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूं, किंतु यहां तो राज्य जहांगीर का नहीं नूरजहां का है। घर में किसका राज्य है? नूरजहां का राज्य है, रानी का राज्य है। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। उसने देखा, उस घर में रहकर उसने पहचाना कि इस घर में किसका राज्य है? महिला वर्ग का राज्य है। किसका राज्य है? रानी का राज्य है, मालकिन का राज्य है। तो वह कुत्ता रानी के प्रति अधिक भक्ति रखता था, प्रीति रखता था, स्नेह रखता था, दयालुता की भावना रखता था। जब रानी पालकी पर मैके से उठे, मैं कार में ले आया। कौन कार में ले आया? लेकर रामक्षत लेने के लिए। किसको? अपनी पत्नी को। देखो मैके से उन्हें मैं कार में ले आया, हमने चाहा कि इसे कार में बिठा ले, इसे मतलब किसको? कुत्ते को। इसे कार में बिठा ले, किंतु जो ही कार खुली यह घबरा कर नीचे कूद पड़ा। अब क्या करें, इसे छोड़ना न चाहते थे, हार कर हम कार से चले आए। यह ताकत करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है उसके साथ ही इसे भेज दिया जाए। देखो जब लेखक अपनी पत्नी को, रानी को, उसके मायके यहां से लाने को गए, तब वो अपनी कार लेकर गए थे और वे कार से अपने गांव आए। जब वे आ रहे थे तब उन्होंने क्या किया, अपने उस कुत्ते को भी कार में बिठाया था, लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा वहां पर खुल गया वह वहां से नीचे कूद गया। उसे डर लग रहा था, उसे भय लग रहा था, वो कार से नहीं आना चाहता था। तब उन्होंने क्या किया, लेखक ने क्या किया है, जो पत्नी के घर वाले हैं उनको बताया कि बैलगाड़ी से जो हमारा सामान आने वाला है उस सामान के साथ ये जो हमारा कुत्ता है इसे भी बेच दीजिए। देखिए दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे कि यह झट से सामने आ खड़ा हुआ। देखो दूसरा दिन आया है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब बैलगाड़ी के साथ क्या हो जाएगा, हमारा कुत्ता आ जाएगा, बैलगाड़ी के साथ हमारा कुत्ता आ जाएगा, इस प्रतीक्षा में हम थे। तब क्या हुआ है, उसी वक्त कुत्ता उनके सामने आया है और सामने आकर खड़ा हुआ है। देखो प्रतीक्षा में थे कि यह झट से सामने आ खड़ा हुआ। अरे अरे यह क्या, सारा शरीर धूलि धूसरित है, शरीर में कितने जख्म हैं। देखो जब उसे सामने देखा तब उसका सारा शरीर धूल से भरा हुआ था, मिट्टी से भरा हुआ था और उसके शरीर पर जख्म थे। क्या थे? जख्म थे, मतलब चोट थी। लगता है जो ये हमारी कार आंखों से ओझल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहां से निकला। वो बैलगाड़ी की प्रतीक्षा करता हुआ वहां पर नहीं रुका है, इनकी कार जब भी वहां से निकली है तब ही उसके पीछे पीछे यह कुत्ता निकला था। और उसके सामने जो भी परेशान, जो भी समस्याएं आई थी, जितने भी संकटों का उसे सामना करना था, उन संकटों का सामना करके आया है और यहां तक आया है। आगे देखो, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहां से निकला और रास्ते पर अपने बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, उनके व्यूहों को वीर अभिमन्यु सा चीरता, रात में
कहीं थोड़ा विश्राम कर, भोर भोर यह हमारे यहाँ पहुंच गया। देखो लेखक बोल रहा है कि रात भर वो लड़ रहा था, किसके समान लड़ रहा था? अभिमन्यु के समान लड़ रहा था। किसके समान? अभिमन्यु के समान, जो युहों को, युहों युहों यानी शत्रुओं का घेरा, युहों मेरी भी हालत इस कुत्ते जैसी हो जाएगी।
इस बात को सोचते हुए मेरा मन उद्विग्न हो रहा है, परेशान हो रहा है। आगे देखो, यह नामक बुढ़ापा क्या चीज है? यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है? क्यों जर्जर क्षीण बना डालता है? जीवन का अंत इतना बुरा क्यों होता है? बचपन का धुरा, जवानी का प्यार और इसके बाद बुढ़ापे की यह धुतकार, फटकार, सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल कर मरना। विधाता, यह तुम्हारा विधान कैसा है? विधाता, विधाता यानी ईश्वर, विधाता यानी ईश्वर और विधान यानी कानून, नियम। देखो रामकृष्ण मेरी गुरु जी विधाता को पूछ रहे हैं कि यह तुम्हारा किस प्रकार का कानून है? हाँ, बचपन में लाड प्यार, जवानी का प्यार, बचपन का दुला, जवानी का प्यार और बुढ़ापे में इस प्रकार की धुतकार, इस प्रकार की फटकार, हट चल मेरे सामने से, जा यहां से, इस प्रकार की धुतकार। हे विधाता, हे भगवान, हे ईश्वर, ये तेरा कौन सा नियम है? ये कौन सा कारण है? कौन पूछ रहे हैं? रामकृष्ण बेनीपुरी जी पूछ रहे हैं। किसको पूछ रहे हैं? ईश्वर को पूछ रहे हैं। ये सारा देखकर, इसके बारे में, बुढ़ापे के बारे में सोचकर ये परेशान हो रहे हैं, वे चिंतित हो रहे हैं। कौन? रामकृष्ण बेनीपुरी जी। और ईश्वर को पूछ रहे हैं कि ईश्वर, तेरा ये कौन सा नियम है? तेरा ये कौन सा कानून है? इस गद्य के माध्यम से दोस्तों हमें क्या लेना है, हमें क्या सीख मिलती है? कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए? सम्मान की भावना रखनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सम्मान रखना चाहिए। उनको जो भी कुछ चीज चाहिए वो हमें देनी है। हमारे घर में हमारी दादी, हमारे दादाजी जो बुढ़ापे की अवस्था में रहते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें सारी जो सृष्टि है वह दिखाई है। ये जो संसार है जिसे हम आज देख रहे हैं वो उनकी वजह से देख रहे हैं। उन्होंने ही हमें बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, जन्म दिया है और उनको ही हमारी धुतकार पड़ती है, फटकार पड़ती है। क्या ये सही है? नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में जो भी हमारे दादाजी हैं, दादी हैं, हमारे नाना हैं, नानी हैं, उनके प्रति हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए? प्यार की भावना होनी चाहिए, स्नेह की भावना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे कैसे बन गए हैं? कमजोर बन गए। कैसे बन गए हैं? कमजोर बन गए हैं। वो कुछ अच्छी तरह से कमा नहीं सकते, कुछ काम कर नहीं सकते, तब हमें क्या करना है? उनकी मदद करनी है, उन्हें ना ही फटकारना है, उनको ना ही कुछ बोलना है, बल्कि उनको सब कुछ देना है जो भी उनको चाहिए हो। तो ठीक है, यहां पर हमारा आज का यह जो गद्य है बुढ़ा कुत्ता, इस कहानी के माध्यम से दोस्तों मुझे पता है कि आप पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील रहोगे, बूढ़ों का सम्मान करोगे, कर्तव्यशील बनोगे, कर्तव्य का पालन करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, ठीक है। तो यहां पर आज हम रुकते हैं।